इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिनियो है वो याई को बोलता है कि ये देखो ये निशान को तुम देख रहे हो, तुमने इसे पहले कहीं देखा होगा। हाँ, तभी जो है वो जो निशान है वो उस बर्थ मार्क को याई की ख्याल से देख रहा होता है और मन में सोचता है इसको और मैंने कहीं तो देखा। फिर उसे याद आता और कहते हैं हाँ और मुझे याद आया ये जो बर्थ मार्क है मैंने जो है रूर के बूट पर देखी थी। हाँ, और मैंने पता ही जब रूट पैदा हुआ था ना तभी से उसकी ये बर्थ मार्क है। तभी जो है जूनियर कहता है हाँ मुझे जो है पता है ये जो बर्थ मार्क है ये हमारी फैमिली की निशानी है। जो भी हमारी फैमिली में न्यू जनरेशन का बच्चा आता है उसका जो है उसमें ये बर्थ मार्क होता है। ये जो सिंबल्स है इससे ये पता चलता है कि जो भी चाइल्ड होने वाला है फर्स्ट चाइल्ड अगर उसमें ये बर्थ मार्क है तो इसका मतलब वो जो चाइल्ड है वो हमारे जनरेशन को बहुत ही ज़्यादा आगे तक ले जाएगा, सक्सेस तक लेके जाएगा। और वैसे भी ऐसे सिंबल्स मेरे जो है ग्रेट ग्रैंड फादर के भी हाँ, और मेरे देखो यहाँ पे कमर के बाद और रूर की जो है बूट पर है। हाँ, तभी जो है ये सुन के यही कहता है अच्छा ओ तो तुमने जो है इस सिंबल की वजह से तुम पता लगा दो कि ये तुम्हारा सन है। हाँ, जिन्यो जो है वो कहता है पर ये जो बर्थ मार्क है ये जो हमारे ओल्ड लोग हैं जो बड़े लोग हैं उनके लिए जो है एक एक्सक्यूज़ अच्छा है, ये बहाना अच्छा है कि हाँ ये जो रुगे हमारा ही मेरे ही बेटा है पर रियलिटी में ही वो मेरा बेटा है क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो हमेशा ही सच और झूठ का पता लगाने में लगे रहते हैं। और वैसे जो है रूही जो है तुम्हारे सारे की वजह से तो बॉर्न हुआ है और वैसे भी मैं जो हूँ मैं अपने फादर के जनरेशन का हूँ। हाँ, और मेरे जो ग्रैंड फादर है उनके दो सन और दो गर्ल है। हाँ, तो मेरे फादर जो है उनमें से सबसे बड़े हैं और अकॉर्डिंग टू जैसे चलता रहता है पहले तो उसके हिसाब से मेरे फादर जो है घर के किंग थे और वो जो है पूरी फैमिली की सारी चीज़ें देखते थे। पर मेरे फादर जो है वो जो मेरे अंकल हैं उनसे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मेरे अंकल जो है मेरे फादर से ज़्यादा एक्सीलेंट थे तो मेरे अंकल ने जो है आसानी से मेरे फादर की पोजिशन जो है वो ले ली और मेरे जो फादर है वो पुराने रूल्स को ही मानते रहते थे और मेरे अंकल जो है उन्होंने जो है आसानी से मेरे फादर की जगह ले ली। तभी जो है यही कहता है कि अच्छा पर तुमने मुझे पहले इससे पहले कभी तुमने अपने फैमिली के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। तभी जो है जिन्यो कहता है कि अब जो है वो दोनों ही नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी चाइल्ड हूँ। जब मैं पैदा हुआ तभी जो है मेरे जो फादर है उनकी डेथ हो गई। तो ये सुन के जो है यही जो है वो जिन्यो कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तभी जो है जिन्यो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे लिए वो लोग जो है एक स्ट्रेंजर की तरह है क्योंकि मैं कभी उन लोगों से मिल ही नहीं पाया। और वैसे भी और मैं जो है अगर अपने अंकल की बात करूँ तो मेरे डैड की डेथ के बाद जो है उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, वो थोड़े सक्सेसफुल हो गए जिसकी वजह से वो अपने जो है सारे रूल्स जो भी हैं उसको तोड़ते रहते थे। हाँ, और उसके उससे पहले जो है मेरी जो मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी मेरे फादर से पहले का। हाँ, तो तभी जो है अचानक से मेरे जो कोई भी चाइल्ड है उनमें ये सिंबल्स नहीं थे, जो ये बर्थ मार्क है वो नहीं थे। पर जब मैं पैदा हुआ फिर मैं बड़ा हुआ मैंने काम किया और हम अचानक से जल्दी हम सक्सेसफुल बने हैं। तो ये चीज़ मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे में देखी, उनने मेरे काम को देखा और उनने सब चीज़ मेरी देखी कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। तभी जो है उनने मुझे सारे जो बिजनेस रिलेटेड काम है वो सारे उन्होंने मुझे दे दिए, अब मैं ही हैंडल करता हूँ। तो मुझे ये चीज़ तो अच्छी है पर मुझे जो है अपने अंकल को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने अपने अंकल को जो है फैमिली बिजनेस थोड़ा संभालने के लिए दे दिया ताकि उन्हें बुरा ना लगे। पर मेरे जो अंकल है इससे खुश नहीं है, वो सारी चीज़ें चाहते हैं कि सब चीज़ जो है उन्हीं की हो, तो इसके लिए वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को लेने के लिए वो मेरे साथ फाइट कर सकते हैं, कोई चाल चल सकते हैं, तो इसी की वजह से जो है मुझे जो है रूर को थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सुन के जो है यही को गुस्सा आता है और कहता है क्या रूर क्यों, हाँ रूर को इन सब चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। हाँ, तो ये सुन के जो है यही कहता है कि तुम बिल्कुल जो है शांत हो जाओ, हाँ मैं सब चीज़ों को देख लूँगा। तभी जो है यही जो है वो कहता है कि क्यों रूर जो है बिल्कुल एक बच्चा हो उसको इन सब चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है,
उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए और वो कुछ नहीं होगा। तभी जो है जिनियो कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और वैसे भी जो है मैं और जो शेन है, हम दोनों ने मिलके यही सोचा है कि अभी जो जैसा चल रहा है हम उसे वैसी चलने देंगे, ताकि जो हमारे सीनियर मतलब जो हमारे फैमिली के बड़े लोग हैं वो ऐसी शांत रहे और हमारा जो फैमिली बिजनेस जो रिलेशनशिप है वो भी बना रहे। तुम जो है मुझे बस थोड़ा सा और समय दो, मैं सभी चीज़ को सब कुछ ठीक कर दूँगा, ठीक है? और बस तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और रूर दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे याई जो है वो वॉशरूम होता है, हमने ब्रश करा होता है और मन में कल की बातों को याद करता है, जिसमें जो है जिनियो ने बोला था कि मैं तुम्हें और रूर दोनों को ही प्रोटेक्ट करूँगा। तो ये सुन के जो है याई अपने मन में सोचते हैं कि किसको प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ, अब मैं कोई बच्चा थोड़ी ना, अब तो मैं अब बड़ा हो गया। क्या बकवास बातें कर रहा था वो। हाँ, उसके बाद वो अपना मूड होता है, थोड़ा फ्रेश होता है, फिर वो रेडियो वेडियो के बाहर जाता है तो अचानक से जो उसकी नज़र अपने जो है ताबीज़ पे पड़ती है और सोचता है कि ये ताबीज़ हमेशा मैं पहन के रखता हूँ। तभी वहाँ पे जिनियो होता है और वो उससे पूछता है कि जिनियो आखिर ये जो ताबीज़ है ये क्या है, ये क्यों है ये ताबीज़ मेरे गले में, मेरे को हमेशा पहन के रखनी पड़ती है। तभी जो है जिनियो कहता है कि ये ताबीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और स्पेशली जो है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये तुम्हारी लाइफ की सेफ्टी के लिए बनाया है, पता। और मैं सोच रहा हूँ तुम इसे जो है बिल्कुल भी मत निकालना, ठीक है? और तुम्हारी जो लाइफ है इससे जुड़ी हुई है, और ये जो ताबीज़ है ये बैड वेब्स होती हैं उन सबको दूर करता है, ठीक है? तो इसे तुम बिल्कुल भी मत निकालना। तो मैं जो है यही मन में सोचता कि हाँ, उस दिन जब मैंने इस ताबीज़ को निकाला था तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा भारी हो गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कुछ मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और जब मैंने जो है इस ताबीज़ को दोबारा से पहना, उसके बाद जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा हल्का सा फील हो रहा था, मैं जो है इस ताबीज़ को जो है हमेशा पहन के रखूँगा। तभी जो है सीन शिफ्ट होता है, हम जो है वही को देखते हैं जो कि अपने घर पे होती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता। वो कहती है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा घबराहट में होती है। वो कहती है जो भी मैंने किया था वो सारा मेरा प्लान जो है फ्लॉप हो गया, और जो मैंने पोस्ट किया था वो भी डिलीट हो गया, क्या मैं पीछे हट जाऊँ? पर नहीं, मैं पीछे हट जाऊँगी इसका मतलब मैं घबरा गई, मैं पीछे नहीं हटूँगी। तभी जो है उसके पास जो है किसी का कॉल आता है जिसमें बोलते हैं कि हम जो है लॉयर का जो इंतज़ाम है जल्दी कर लेंगे। तभी जो है सुन के जो है वही और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो अपने फ़ोन को देखती है। तभी जो है वो अचानक से जो है ये मतलब मिस्टर चैन या ये कुछ भी बोलो उसको मैसेज करती है, तो हम जो है ये को देखते जो कि वही का मैसेज देख के खुश हो जाती है और कहती है ब्रो की जो गर्लफ्रेंड है उसने मुझे मैसेज किया। तभी जो है वही मैसेज में लिखती है कि मैंने जो है कमेंट्स और रूमर्स देखे जो भी हमारे बारे में फैल रहे, तो तुम बिल्कुल भी इस कमेंट को जो है सीरियसली मत लेना, मैं जो है तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। तो ये सुन के जो मिस्टर चैन जो है वो मन में सोचती कि वाह ये लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट है, लोग इसे कितना ज़्यादा बुली कर रहे हैं, मैं जो है लोगों को देख लूँगी। फिर सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम याई को देखते हैं जो कि रूट के साथ बैठा होता है। तभी वो उसे जो है लिनवई का कॉल आता है और लिनवई जो है वो उसे पार्टी के लिए इन्वाइट कर रही होती है, कहती है कि अब वैसे भी अब जो है हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑलमोस्ट जो है अब ख़त्म ही होने वाला है, तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं जो है अपनी जगह पर एक पार्टी दूँ ताकि जो है सब थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। वो जो है थोड़ा पीछे देखती है और कहती है कि जो है पार्टी मेरी जगह पर है तो तुम आ जाना, ठीक है? और वो पीछे होकर ओल्ड मैन और वुमेन को देख रही होती है। तो यही जो है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा, पर तुम मुझे जो है टाइमिंग तो बता दो। तभी जो है लिनवई कहती है हाँ तुम्हारा वेलकम है और मैं जो है तुम्हें जो टाइम है वो जल्दी बता दूँगी। तभी जो है लिनवई जो है उन ओल्ड मैन और वुमेन के पास जाते हैं। तभी वो जो ओल्ड वुमेन है वो लिनवई से पूछ रही क्या हुआ, क्या वो आ रहा है? वो आ रहा है। तभी जो है ओल्ड जो मैन है वो कहते हैं तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो हैं। तभी जो है ओल्ड वुमेन कहती है कि अच्छा क्या बोल रहे हो तुम, हाँ रोज कौन जो है अपनी बेटी और अपने पोते को और याद करता है। तो वो जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं मैं नहीं वो तुम होगी। तभी जो है लिनवई
कहती है कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, हाँ आप लोग शांत हो जाइए, और वैसे भी जो है मैं पार्टी जो है घर पे ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ठीक है। और उसने जो है आने के लिए हाँ कर दिया, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो पार्टी में आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।